चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है डायरेक्टिंग। देखो, इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में डायरेक्टिंग के बारे में समझा था, और उसके बाद डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हम लोग देख रहे थे कि भाई डायरेक्टिंग के अंदर कौन कौन सी बातें इंक्लूड होती है। जिसमें कल हमने समझा था कि डायरेक्टिंग के अंदर चार चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक सुपरविजन, एक मोटिवेशन, एक लीडरशिप और एक कम्युनिकेशन। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ये चार चीज़ें वो डायरेक्टिंग का पार्ट कहा जाता है। जिनमें कल सुपरविजन के बारे में हमने समझा और मोटिवेशन के बारे में हम लोग समझ रहे थे। मोटिवेशन के बारे में हमने समझा भी था, उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे, अब एब्राहम मैस्लो की जो है वो हायरार्की नीड्स हमने देखी। और आज समझो मोटिवेशन के अंदर का ये एक हिस्सा है, आज का हमारा टॉपिक आता है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स इंसेंटिव्स क्या कहलाते हैं? देखो, हम लोग आम भाषा में, जनरल लैंग्वेज में, आपके घर पे भी शायद यूज होते हो या कुछ, इंसेंटिव्स कहा जाता है कि सैलरी के अलावा जो है वो वर्कर्स को अगर कुछ दिया जाता हो ना, तो वो इंसेंटिव कहलाता है। बरबर, हम सिंपल लैंग्वेज में, रेगुलर लैंग्वेज में ये कहते हैं, सैलरी के अलावा जो है वो वर्कर्स को अगर कुछ दिया जाता हो, कुछ बोनस देना, कमीशन देना, या और कोई भी ऐसी चीज़, कोई अवार्ड वगैरह देना, ये सब जो है वो इंसेंटिव में माने जाते हैं। लेकिन प्रॉपर बिजनेस लैंग्वेज में इंसेंटिव कहते हैं कि भाई इंसेंटिव मतलब वर्कर्स को कोई ऐसी चीज़ देना जो वर्कर्स को काम करने के लिए इंस्पायर करे, उनमें खुद जो है वो मोटिवेशन क्रिएट करे, ऐसी चीज़ वर्कर्स को देना, उसे इंसेंटिव कहते हैं। प्रॉपर इंसेंटिव में सैलरी भी इंक्लूड हो जाती है, बरबर ना? टाइम टू टाइम सैलरी देना, एक अच्छी सैलरी देना, ये भी जो है वो उस इंसेंटिव के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। सिंपल और शॉर्ट मीनिंग इंसेंटिव का कहलाता है, रियल मीनिंग ये कहलाता है कि भाई इंसेंटिव मतलब कोई ऐसी चीज़ जो है वो वर्कर एंड स्टाफ को देना कि जिससे वो इंस्पायर हो, वो हमेशा काम करते रहें, बरबर ना? और ऐसे जो इंसेंटिव्स होते हैं ना, वो दो तरह के इंसेंटिव आते हैं, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल मतलब मनी रिलेटेड इंसेंटिव्स देना, कि अगर बिजनेस में कोई एम्प्लॉयज़, कोई स्टाफ बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो उन्हें कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ये जो लिस्ट दी गई है उनमें से कोई इंसेंटिव उन्हें प्रोवाइड करना, बरबर। या तो फिर दूसरे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी आते हैं जो मनी रिलेटेड ना हो। समझ आ रही है बात? बरबर ना? तो ये इंसेंटिव्स वो हर बिजनेस के लिए है, जरूरी है। कि आज के टाइम में सिर्फ जो है वो वर्कर को खाली सैलरी देते रहो ना, तो वो वर्कर इंस्पायर नहीं होते, वो वर्कर इंस्पायर नहीं होते, उन्हें काम करने में मजा नहीं आता। कि रेगुलर वही सैलरी के साथ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज अगर ऑनर उसे देता रहे ना, थोड़ी थोड़ी फैसिलिटीज भी, तो उनमें एक तरह का मोटिवेशन आता है। ये मोटिवेशन के लिए ही इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, बरबर ना? तो इनके अगर लिस्ट समझें तो पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन कौन से आते हैं। जैसे आता है शेयर इन प्रॉफिट। शेयर इन प्रॉफिट मतलब कि प्रॉफिट में से ही एक हिस्सा देना, कि अगर कोई वर्कर बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उसे कह देना कि यार ये साल तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब इस साल हमारा जितना प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट में से 10% तुम्हारा, बरोबर। सैलरी तो मिलती रहेगी, ये एक्स्ट्रा चीज़ें उन्हें मिल गई, ये एक्स्ट्रा मिल गया उन्हें कि भाई, क्योंकि भाई अगर जो है वो बिजनेस में 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 10 में से 1 ने बहुत अच्छा काम किया, उसकी वजह से ही आज बिजनेस को इतना फायदा हुआ है, तो भाई उसे जो है जरूरी रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए ना, उसे भी तो जो है वो इनाम मिलना चाहिए कि नहीं उसका। और इनाम में अगर ये दिया जाए, शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में से एक हिस्सा, कि भाई तुम्हारे इतना अच्छा काम हुआ है तो इस साल हमारा जितना भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें से 10% तुम्हारा होगा, तो वो खुश हो जाएगा कि नहीं? सोचो उसमें जो है उनमें कितनी इंस्पिरेशन या कितना मोटिवेशन उसे मिलेगा। सही बात है ना? ये एक तरह का फाइनेंशियल इंसेंटिव कहलाता है, प्रॉफिट में से एक हिस्सा। वो अगर एक अच्छा काम करेगा, उसे प्रॉफिट में से हिस्सा मिला ना, तो अगले साल बाकी के 9 लोग भी जो है वो अच्छा काम करेंगे, वो भी जो है वो खुद ब खुद काम करने, नहीं भाई अगले साल मुझे जो है वो ये चीज़ मिलनी चाहिए, सिर्फ इसको क्यों मिली, है कि नहीं? देन को पार्टनरशिप, कि उसी तरह से अगर कोई एम्प्लॉयज और अच्छी तरह से अगर काम करता हो, तो उसे इवन पार्टनरशिप का ही जो है वो एक पार्ट बनाया जाता है, को पार्टनर जो है वो उसे बनाया जाता है। ना, कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसे कहते हैं आज से जो है वो तुम हमारे पार्टनर हो। ये को पार्टनर में फ़ायदा क्या होता है कि भाई उस एम्प्लॉय को सैलरी तो मिलती रहती है, लेकिन पार्टनरशिप का भी थोड़ा सा हिस्सा उसे दिया जाता है। मतलब जो नेट प्रॉफिट हो जाए, जो नेट प्रॉफिट हो उसमें से भी थोड़ा सा हिस्सा हर साल उसे दिया जाता है। लेकिन ये पार्टनरशिप जो जनरल पार्टनरशिप होती है उससे थोड़ी सी अलग होती है। भाई अगर जो पार्टनर्स बिजनेस चला रहे हैं उन्हें तो अपना कैपिटल लेकर आना होता है, बिजनेस में लॉस हुआ तो लॉस की भरपाई भी उसे करनी होती है, बरोबर ना? लेकिन यहाँ को पार्टनरशिप में एम्प्लॉयज़ को अगर को पार्टनर बनाया जाए ना, तो उसे कोई कैपिटल नहीं लेके आना है,
कि अब वो पार्टनर बन गया तो बिजनेस में पैसे लगाएगा, ना उसे कैपिटल लेकर आना है, और अगर बिजनेस को लॉस भी हुआ तो भी ये को पार्टनर कुछ पैसे भरता नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है। कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है और मुझसे कह दो आज से जो है वो तुम हमारे 5% के पार्टनर, 5% के पार्टनर, मतलब बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा ना हमेशा हमेशा जो है वो आपको उसमें से 5-5% मिलते रहेंगे, बराबर ना। कि अगर बिजनेस में 1 साल में जो है वो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख के 5% अगर आप लोग करो तो 1 लाख के 5% कितने, 5,000 हो जाते हैं, कि भाई 5,000 हर साल तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेंगे। सही बात है ना। तो ये को पार्टनरशिप, वो भी फाइनेंशियल इंसेंटिव ना, ये भी उनमें इंस्पिरेशन मोटिवेशन क्रिएट करता है। या कहो प्रमोशन, प्रमोशन में ध्यान है कि जिस पोस्ट पे काम करता हो उससे जो है वो बड़ी पोस्ट पे जो है वो उसे काम देना, उसे बड़ी पोस्ट का वर्क देना, उसे उसे प्रमोशन। बड़ी पोस्ट के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी भी बढ़ती है, उसकी सैलरी भी बढ़ती है, उसका जो है वो एक तरह का पोस्ट बढ़ता है, तो भाई कहते हैं ना भाई बिजनेस में जो है वो उसका नाम भी अच्छा हो जाता है, एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलने लगती है बिजनेस में, क्या भाई मुझे जो है वो प्रमोशन मिला है। ये भी उनमें इंस्पिरेशन क्रिएट करता है। या बोनस, बोनस को, बोनस तो आज के टाइमिंग में हर बिजनेस ने जो है वो कंपलसरी बना दिया है, हर बिजनेस ने, कि भाई वर्कर्स को कंटिन्यूसली मोटिवेट करने के लिए उन्हें बोनस देते ही रहना चाहिए, ठीक है ना। ये बोनस जैसे होता है ना हमारे यहाँ पे होता है कि हर साल दिवाली के टाइम में सभी वर्कर्स को बोनस देते हैं, भाई जितना पूरा साल काम तो किया है उस दिवाली के टाइम में एक्स्ट्रा सैलरी देना, एक्स्ट्रा कुछ पैसे दे देना सैलरी के अलावा, ये सब ये इंसेंटिव्स ना, ठीक है ना। बाहर के देशों में जो है वो क्रिसमस के टाइमिंग में होता है, होता है ना, क्रिसमस के टाइमिंग में सबको जो है वो बोनस दिया जाता है, तो ऐसे पर्टिकुलर बोनस मिलते हो, कमीशन मिलती हो। कमीशन कितने वर्कर्स को होता है कि भाई उन्हें रेगुलर सैलरी तो मिलती रहती है लेकिन पर्टिकुलर उन्हें टारगेट दिया जाता है, भाई ये टारगेट पूरा करो तो आपको कमीशन भी मिलेगी। कितने बिजनेस में होता है कि भाई उन्हें सैलरी मिल रही है, अब उसके बाद कोई अगर सेल करने हैं, समझो कोई जो है वो शूज़ की सेलिंग करनी है, तो उसको कहा जाता है कि भाई तुमने जितने शूज सेल किए ना उसके ऊपर तुम्हें कमीशन भी मिलेगा, जितने ज़्यादा शूज सेल करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हें कमीशन मिलेगी। तो सैलरी तो मिल ही रही है, एक्स्ट्रा कमीशन ना, ये एक्स्ट्रा इंसेंटिव ना, तो इसकी वजह से वो जो वर्कर होगा ना वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा बेचने की कोशिश करेगा। ये खुद ब खुद उनमें इंस्पिरेशन क्रिएट होता है ना कि नहीं भाई मैं ज़्यादा सेल करूँ क्योंकि मुझे कमीशन मिलेगा, ठीक है। या फिर प्राइजेस, प्राइज होता है कि भाई हर साल या हर महीने कितने सारे बिजनेस होते हैं वो ये क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, सुना होगा ना ऐसा, है ना, ऐसा जो है वो नाम रखते हैं, भाई जिस एम्प्लॉय ने बिजनेस में सबसे अच्छा काम किया ना उसे जो है वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाएगा, और उसमें अवार्ड की जगह कितनी बार प्राइज दिया जाता है। या कोई पर्टिकुलर काम सौंपा जाए, 10 लोगों को टारगेट दिया हुआ है इतना इतना काम पूरा करना है, 10 में से जिसने सबसे अच्छा जो है वो काम किया हो तो उसे प्राइज भी मिलेगा, जिस प्राइस में ऑलमोस्ट कैश दिया जाता है कि भाई जितनी सैलरी है उस सैलरी के अलावा इतना तुम्हें प्राइस, इतना तुम्हें कैश भी मिला, ये भी उनमें मोटिवेशन क्रिएट करता है ना, बराबर ना। ये भी फाइनेंशियल इंसेंटिव में आता है प्राइस। या फिर सजेशन एंड एडवाइसेस, कितनी बार ये होता है कि भाई कोई वर्कर से जो है वो पर्टिकुलर सजेशन या एडवाइसेस लिए जाते हैं, वर्कर से जो है वो ऑनर पूछते हैं कि यार बिजनेस में ये प्रॉब्लम हो रही है इसका कोई सॉल्यूशन बताओ ना, भाई सबसे पूछा, सभी वर्कर से जो है वो पूछा गया, अब सभी वर्कर में से कोई एक वर्कर ने अच्छा आइडिया दिया, उस आइडिया जो है वो बिजनेस में अगर अप्लाई किया ना तो भाई अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो गया, बिजनेस को प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्रॉफिट भी अच्छा हुआ। तो अगर जिसके आइडिया की वजह से, जिस वर्कर के आइडिया की वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है तो उस वर्कर को भी तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना, बरूबर ना। उस वर्कर को फिर ऑनर कहता है कि देखो तुम्हारे आइडिया की वजह से हमें बिजनेस में जो है वो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो 1 लाख में से 10,000 तुम्हारे भी। सही बात है ना। तो ये सजेशन या एडवाइसेस के भी उन्हें पैसे मिलते हैं ना, सही बात है ना। कितने बिजनेस में जो है वो ये चीज़ अप्लाई की जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है पता है, जो वर्कर्स होते हैं ना वो वर्कर अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करते हैं, अपनी पूरी ताकत से काम करते हैं, नहीं हम भी जो है वो बेस्ट आइडिया दें, हम भी जो है वो अच्छी चीज़ बताएं। और अगर हर कोई अपनी बेस्ट आइडिया देगा तो सोचो उनके बेस्ट थिंकिंग का जो है वो यूज़ बिजनेस के लिए ही होगा ना, बिजनेस को ही उसका फायदा मिलेगा ना, ठीक है ना। तो ये सब जो इंसेंटिव्स होते हैं वो कौन से, फाइनेंशियल इंसेंटिव, मनी रिलेटेड होते हैं। जबकि दूसरे आते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पता है कितने बिजनेस में ऐसे कहा जाता है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव फाइनेंशियल इंसेंटिव से ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा मजबूत मतलब ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, कि भाई फाइनेंशियल इंसेंटिव से वर्कर्स को इतना इंस्पिरेशन, इतना मोटिवेशन नहीं मिलता जितना नॉन फाइनेंशियल से मिलता है।
आप सामने वाले को 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दो ना, सामने वाला शायद इतना खुश नहीं होगा, उसकी जगह पर 5 लोगों के सामने उसकी तारीफ कर दो ना आप, वो ज्यादा खुश होगा। बरोबर ना, पैसों से ज्यादा उसको जो है वो तारीफ प्यारी होती है, होता है कि नहीं? आपके स्कूल में भी ऐसा होता है? स्कूल में भी स्टूडेंट के साथ भी तो ऐसा होता है भाई? आपको यहाँ तो ठीक है कि भाई पैसों की तो बात ही नहीं आती, लेकिन सिंपल से बताएं कि और कोई भी चीज हो लेकिन उसकी जगह पर टीचर जो है वो पूरे क्लास के सामने अगर आपकी तारीफ कर दे, बात ही खत्म फिर तो। बरोबर ना, फिर तो भाई वो इंस्पिरेशन जो माइंड में क्रिएट होता है, जो वो मोटिवेशन माइंड में क्रिएट होता है, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं होती। सही बात है ना? तो सोचो, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव फाइनेंशियल इंसेंटिव से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो जैसे सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहला नॉन फाइनेंशियल कहलाता है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोई पगार नहीं बढ़ाना, कोई एक्स्ट्रा बोनस कमीशन कुछ भी नहीं देना, लेकिन उन्हें जो है वो एक तरह की सिक्योरिटी दे देना। मतलब वर्कर को ये कह देना आज से जो है वो तुम्हारी जॉब परमानेंट है। कोई टेम्पररी वर्कर हो, टेम्पररी एंड परमानेंट, ध्यान है ना, कि कोई बिजनेस में जो है वो टेम्पररी वर्कर रखे जाते हैं कि भाई बिजनेस में कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो हम आपको निकाल भी सकते हैं, आप टेम्पररी काम कर रहे हो, परमानेंट नहीं हो। है ना, दूसरा अपोजिट परमानेंट मेंबर काम होते हैं। हाँ भाई, आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, आप कंपलसरी इस बिजनेस में इतने साल काम करोगे ही करोगे। बरबर, अब कोई अगर टेम्पररी मेंबर हो, टेम्पररी एम्प्लॉय हो अगर, और उसे जो है वो बॉस आकर कह दे कि भाई तुम्हारा काम अच्छा है, आज से ये रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, आपकी जो है वो ये 5 साल का परमानेंट जॉब हो गई। बरबर, 5 साल की परमानेंट जॉब, उसे जो है वो सिक्योरिटी मिल गई एम्प्लॉयमेंट की, कि 5 साल के लिए मुझे पगार मिलती रहेगी, कोई भी टेंशन नहीं। मतलब उस वक्त ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाओ ना, तो अगर बिजनेस बंद हो ना तो भी जो है वो पगार देते रहते हैं। कितने बिजनेस में ऐसा होता है, बिजनेस बंद हो तो भी उन्हें पगार मिलता है, ये परमानेंट जॉब हो गई। तो एक तरह की सिक्योरिटी ना, कि 5 साल के लिए तो मुझे पगार मिलती रहेगी। तो भले उसे कोई एक्स्ट्रा पगार, एक्स्ट्रा सैलरी, कमीशन कुछ नहीं मिला, लेकिन एक सिक्योरिटी मिल गई। ये भी तो उनमें इंस्पिरेशन क्रिएट करता है ना, बॉस आकर कह दे आज से तुम्हारी जॉब परमानेंट, तो वो दूसरे दिन से और डबल खुशी से काम करेगा वो। सही बात है ना ये? या दूसरा नॉन फाइनेंशियल का हो तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्क, देखो बिजनेस में ना एक दो नहीं, 100 लोग काम करते हैं, 100 लोग साथ में काम करते हैं, हर कोई जो है वो अपने हिसाब से बेस्ट देने की कोशिश करता ही है। हर किसी की जो है वो पर्सनल प्रॉब्लम होती है, पर्सनल ऐसे समझो भाई उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं, वो सब कुछ छोड़कर भी वो बिजनेस में जो है वो अपना काम करते रहते हैं। और उस वक्त बॉस आकर जो भी 50 100 लोग काम कर रहे हैं उनमें से किसी का काम पहचाने के, भले 50 लोग काम कर रहे हैं लेकिन यार उनमें से इसका काम बहुत अच्छा है, अगर उसका काम पहचाना जाए और सबके सामने उसकी तारीफ की जाए या उसे रिवॉर्ड दिया जाए, रिवॉर्ड मतलब कुछ इनाम दिया जाए कि यार भले सब लोग जो है वो अपने हिसाब से काम करें लेकिन तुम्हारा काम सबसे अलग है भाई, मैं तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, ऐसे वर्क का रिकॉग्नाइजेशन पहचान और उसे रिवॉर्ड दी जाए, तो सोचो उसे जो है वो कितना इंस्पिरेशन मिलेगा। इस रिवॉर्ड में भले कोई पैसे नहीं, खाली 2 शाबाशी भी मिल जाए ना उसे, तो भी जो है वो उसकी समझो भाई पूरा दिन बन गया, उसकी जॉब जो है वो बहुत अच्छी तरह से चल पड़ी, ऐसा हो जाता है। सही बात क्या नहीं? तो ये भी जो है वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में आता है। ये चीजें हर जगह काम करती है। आपके तो क्लास में भी, जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, ये ऐसा होता ही है ना, सब स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कोई अलग करता और टीचर तारीफ कर दे, भाई ये स्टूडेंट बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, कुछ भी कहो तुम। तो सोचो अगर उसका वर्क पहचाना जाए और उसे कोई शाबाशी वगैरह दी जाए तो उसके लिए इंस्पिरेशन क्रिएट करता है ना। देन असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दी जाए। पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी देना मतलब तो सामने ज्यादा काम देना, लेकिन कितनी बार ज्यादा काम देना ये भी उनमें मोटिवेशन क्रिएट करता है। बरबर, ज्यादा काम देना मतलब तो भाई कितने लोगों को अगर एक्स्ट्रा काम दे दिया जाए तो वो एक्स्ट्रा काम जो है वो लोग चिढ़ जाते हैं। सही बात है ना? आपको नॉर्मल काम हो और घर पे जो है वो मम्मी या पापा कोई एक्स्ट्रा काम अगर सौंप देते हैं, ऐसे ही एक्स्ट्रा काम अगर सौंप दें कि भाई जो है वो तुम्हें ये भी काम तुम्हें पूरा करना है, तो हम तो चिढ़ जाते हैं यार, पहले मेरा काम नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा काम ये भी लगा के दे रहे हो। बिजनेस में यही एक्स्ट्रा काम अगर सही तरह से सौंपा जाए ना, तो वो उल्टा जो है वो उनमें एक तरह का इंस्पिरेशन क्रिएट करता है। असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर पर्टिकुलर जवाबदारी कोई वर्कर को जो है वो दी जाए, जैसे कोई वर्कर को कहा जाए कि आज से देखो भाई, आज से जो है वो बैंक का जो भी कामकाज है ना, वो बैंक का कामकाज तुम संभालना। बरोबर ना भाई, मुझे जो है वो तुम्हारे ऊपर ही पूरी जवाब भाई विश्वास है, तो ये जवाबदारी जो है मैं तुम्हें ही सौंपता हूँ, आज से बैंक का काम तुम संभालना। अब सामने वाले का काम तो बढ़ गया, पहले वो बैंक का काम नहीं करता था लेकिन काम अब उसे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, फिर भी उसमें मोटिवेशन होगा कि भाई जो है वो बॉस ने 10 लोगों को छोड़कर मुझे बैंक का काम सौंपा है, तो मतलब भाई मेरे में अच्छी क्वालिटी होगी ना।
सही बात है ना। तो ये असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी जो है वो एक तरह का इंसेंटिव कहलाता है, एक तरह के उनमें इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन क्रिएट करता है। ये सच में जो है वो अजीब चीज़ है कि लोग जो है वो ज़्यादा काम उन्हें दिया गया तो भी वो खुश होते हैं, लेकिन रियली ऐसा होता है कि जब जो है वो उन्हें प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदारी दी जाए बाकी सबको छोड़कर तो भी तो उन्हें अच्छा लगता है ना। देन एडवाइजर, अगर कोई वर्कर को जो है वो ऑनर अपना एडवाइजर बना के रख दे, एडवाइजर के हाथ से जो है वो जो भी डिसीजन लेना है ना इससे पूछ कर ही लेना है, तो अगर उसे एडवाइजर बना दिया जाए तो भी तो उसमें एक इंस्पिरेशन क्रिएट होता है ना। पर ना 10 एम्प्लॉयज हैं लेकिन मालिक कहता है कि यार आज से मैं जो भी डिसीजन लूंगा ना यार 10 में से तुमसे पूछ कर, तुम 2 से पूछ कर ही मैं लूंगा, तुम दोनों सजेशन देना एडवाइस देना उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। तो ये अगर उसे एडवाइजर की तरह रखा जाए तो ये भी उनमें एक मोटिवेशन क्रिएट करता है। या वेलफेयर एक्टिविटीज एंड एम्यूनिटीज, कितने बिजनेस में ऐसी एक्टिविटीज या एम्यूनिटीज रखी जाती है, मतलब कैसे कि कितने बिजनेस होते हैं कि जिस बिजनेस के अंदर ही जो है वो पर्टिकुलर कैंटीन रखी जाती है कि वर्कर 10 10 घंटे वहाँ काम कर रहे हैं उन्हें भूख लगती होगी तो कैंटीन की फैसिलिटी है। कितने बिजनेस में तो ये कैंटीन फ्री ऑफ कॉस्ट भी रखी जाती है कि आप फ्री में खाना खाओ। ऐसे भी हैं बिजनेस के जहाँ पे उनको फ्री में खाना, कि आप 10 घंटे यहाँ काम कर रहे हो आपको खाना खाना है तो भले जो खाओ यहाँ पर आराम से, बरबर ना। ऐसी फैसिलिटीज उन्हें दी जाती है, कैंटीन की फैसिलिटीज होती है वहाँ पर जो है वो रेस्ट रूम वगैरह होते हैं कि कोई पर्सन को कोई तकलीफ हो तो वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए। ये सब एक्स्ट्रा फैसिलिटीज अगर उन्हें मिलती रहे कि जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, बाहर गार्डन वगैरह बना हुआ है कि जहाँ पर वर्कर्स थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं, आराम से घूम भी सकते हैं, बहुत बिजनेस ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी उनमें एक इंसेंटिव की तरह जो है वो वर्क करता है, एक इंस्पिरेशन क्रिएट करता है। नहीं यार मैं जहाँ काम करता हूँ ना वो कंपनी बहुत अच्छी है, वो बिजनेस अच्छा है, वहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज हैं तो मैं वहाँ पे आराम से काम कर सकता हूँ। सही बात है ना भाई, गर्मी ना हो तो एसी की फैसिलिटी बॉस ने लगा के दी है। खाली बॉस अपने ऑफिस में एसी में क्यों बैठे, सब जो है वो एसी में बैठेंगे, बॉस ने सबके लिए एसी लगा के रखी है। तो सोचो ऐसा सही लगता है ना। अब एक इंसान कहीं जॉब पे जाता हो वहाँ गर्मी में जो है वो उसके पसीने निकलते रहते हो, और इसके अलावा जो है वो कहीं वो जॉब में जाता है और वहाँ पर जो है वो उसे अच्छी खासी एसी में और वहाँ पर ये सब फैसिलिटीज मिल रही है, तो सोचो उसे अच्छा नहीं लगेगा, बरबर ना। ऐसी फैसिलिटीज भी तो उनमें इंसेंटिव का काम करती है ना, इंस्पिरेशन का काम करती है कि नहीं। या फिर अदर इंसेंटिव्स, अदर इंसेंटिव्स में आते हैं कि कितने बिजनेस अपने वर्कर के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देते हैं, जैसे भाई उन्हें इंश्योरेंस करवा के देते हैं बिजनेस में कोई भी नुकसान हुआ, इवन पर्सनली भी उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई, कोई बीमार हुए हॉस्पिटल में अगर एडमिट हुए तो खर्चा बिजनेस की तरफ से, ऐसा इंश्योरेंस उन्हें करवा के देते हैं। या तो फिर जो है वो उन्हें पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज देते हैं, कितने बिजनेस करते हैं ना कि अगर बिजनेस दूर है तो रोज का पेट्रोल का खर्चा बिजनेस खुद कहता है हमारी बस आपके घर पे लेने आएगी छोड़ने भी आएगी, आते हैं ना आपके घर के आसपास भी कितने ऐसे लोग होंगे जो बस में जाते होंगे कंपनी तक, तो जैसे पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज होती है। या दूसरा अगर कहो तो भाई उनके चिल्ड्रंस का एजुकेशन फीस भरी जाती है, कितने बिजनेस होते हैं जो अपने वर्कर्स के जो है वो बच्चों की फीस स्कूल फीस जो है वो उनके तरफ से भरते हैं, हाँ बच्चों की पढ़ाई होती है। कितने लोग जो है वो अपने वर्कर्स की कोई शादी या घर का कोई ऐसा खर्चा हो तो वो खर्चा बिजनेस की तरफ से, कितने बिजनेस में जो है वो ऐसा किया जाता है। हमारे सूरत में ही जो है वो ऐसे हीरे व्यापारी हैं ना जो ज्वेलरी का डायमंड का वर्क करते हैं भाई, उनमें जो है वो सावजी भाई ढोड़किया करके एक है, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो पर्सन है जो हर साल अपने एम्प्लॉयज को जो है वो बोनस में या कमीशन की तरह जो है वो पूरी पूरी गाड़ियाँ और फ्लैट देते हैं, हर साल अपने एम्प्लॉयज को जो है वो गाड़ियाँ और फ्लैट देते हैं। तो आप सोचो ये जो है वो अगर अदर इंसेंटिव्स की तरह उन्हें मिले तो सोचो उनमें कितना मोटिवेशन क्रिएट होता होगा। कितने बिजनेस हैं जो अपने एम्प्लॉयज के लिए हर साल जो है वो ट्रिप प्रोवाइड करते हैं कि आप जो है वो ये पूरी इंडिया में कहीं पर भी 6 दिन 7 दिन जो है वो हमारे कंपनी के खर्चे से घूम कर आओ, होटल का आने जाने का खर्चा जो है वो कंपनी की तरफ से। तो सोचो ऐसी फैसिलिटीज अगर उन्हें मिलती है तो एम्प्लॉयज भी तो अच्छी तरह से काम करेंगे ना, वो कभी जॉब छोड़कर नहीं जाएंगे, उन्हें लगेगा ना कि यार हमारे बिजनेस में जो है वो सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से चल रही है कि नहीं। तो ये जो इंसेंटिव्स हैं भले फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल, ये वर्कर्स में एक तरह का मोटिवेशन क्रिएट करते हैं। अब जैसे इंसेंटिव के बारे में समझा ना, तो उसके बाद का टॉपिक आता है, वो आता है लीडरशिप। लीडरशिप डायरेक्टिंग का जो है वो थर्ड पार्ट, डायरेक्टिंग के 4 पार्ट थे ना, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। तो उसमें थर्ड पार्ट अब लीडरशिप के बारे में समझें। तो भाई लीडरशिप क्या कहते हैं, लीडरशिप मतलब वो क्वालिटी कहलाती है कि जिसमें
सामने वाले को इंस्पायर करना, हमेशा मोटिवेट करते रहना कि वो अपना काम सबसे बेस्ट वे में कर सके, बरोबर ना? सामने वाला अपना काम बेस्ट वे में और खुद ही करे, इसके लिए उन्हें मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, तो उसे एक तरह की लीडरशिप कहते हैं, वो लीडरशिप क्वालिटी कहते हैं हम लोग। और लीडरशिप की क्वालिटी किसके पास होती है? जिसके पास ये क्वालिटी हो तो वो पर्सन लीडर कहलाता है, वो लीडर कहलाता है ना, है ना? कि भाई अगर जो है वो सबका एक लीडर हो तो उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सबको इंस्पायर करे, सबको एक तरह से मोटिवेट करे कि हाँ भाई सब जो है वो अपना काम अच्छी तरह से करें और टाइम टू टाइम अपना काम पूरा कर सकें, है कि नहीं? बिजनेस में जो है वो ऐसा एक लीडर बनाया जाता है हमेशा। बिजनेस में जो भी वर्किंग होती है ना, पता है बिजनेस में डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ने आगे कॉन्सेप्ट पढ़ा है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सभी वर्किंग जो है वो दूसरों को डिवाइड कर दी जाती है। और ऐसे डिसेंट्रलाइजेशन के वक्त जो 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 अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं कि भाई ये काम जो है वो तुम्हें करना है, या समझो डिपार्टमेंट बना देते हैं, ये परचेज डिपार्टमेंट का काम, ये सेल्स डिपार्टमेंट का काम, ये एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का काम, और उस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हो ना उन लोगों में एक को लीडर बना दिया जाता है कि भाई तुम जो है वो लीडर बनो, कि भाई तुम जो है वो सबको मोटिवेट करना, सबको इंस्पायर करना, सबको गाइड करते रहना, सबको समझाते रहना कि जिससे जो है वो काम बरोबर पूरा हो सके, है कि नहीं? तो ये जो है वो लीडर कहलाए, और उसमें जो क्वालिटीज हुई वो उसकी लीडरशिप की क्वालिटीज। और लीडरशिप में और कौन कौन सी क्वालिटीज होती है वो उनके कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू समझे, कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जैसे कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोअर्स, पता है लीडरशिप की क्वालिटी तब क्रिएट होती है, या कोई भी पर्सन लीडर तब बनता है जब उसके जो है वो कोई फॉलोअर्स हो। यहाँ फॉलोअर्स मतलब आपकी सोशल साइट वाले फॉलोअर्स नहीं है कि फेसबुक इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं, वो फॉलोअर्स नहीं, प्रॉपर रियल लाइफ के फॉलोअर्स मतलब कहलाते हैं जो उनकी बात मानते हो, बरोबर ना? वो फॉलोअर्स कहलाते हैं। तो अगर जो है वो सामने 5 लोग 10 लोग उसकी बात मानते हो ना तो वो उसके फॉलोअर्स कहलाए, और जब कोई फॉलोअर्स हो तो वो इंसान लीडर कहलाता है, नहीं तो नहीं। सामने लीडर बन के वो जो है वो बातें कहता रहता है और उसकी बात कोई माने ही नहीं, कोई मानता ही ना हो उसकी बात, सब अपनी अपनी जो है वो चलाते रहते हो, सब अपने हिसाब से काम करते रहते हो, तो वो लीडर किस काम का है, बरोबर ना? वो लीडर थोड़ी कहलाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो लीडर वही पर्सन कहलाता है जिसके जो है वो फॉलोअर्स हो, एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोअर्स, फॉलोअर्स हो वहाँ पर, ठीक है ना? और उसमें अगर लीडरशिप की क्वालिटीज होगी ना, कौन सी क्वालिटीज वो आगे देखेंगे हम, कि अगर उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होगी तो उसके फॉलोअर्स खुद ब खुद बन जाएंगे फिर, सही बात है? या फिर कहो कंटिन्यूस प्रोसेस, लीडरशिप कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कोई लीडर तो बन गया, उसने एक बार खाली बॉस की तरह ऑर्डर दे दिया भाई करो ये काम जाकर, और बस वो काम करते रहे सब, ऐसा थोड़ी होता है। लीडरशिप कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब तक बिजनेस चल रहा है, जब तक वो जो है वो उन सब का लीडर बन के बैठा है, तो कंटिन्यूसली उन्हें इंस्पायर करना, उन्हें मोटिवेट करना, सुपरविजन करना, वो भी उसके अंदर ही आता है, उन्हें चेक करते रहना कि भाई सब बरोबर काम कर रहे हैं, कोई जो है वो काम गलत तो नहीं कर रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ये सब कंटिन्यूसली चेक करते रहना, ये जो है वो लीडरशिप की प्रोसेस में आता है। तो इसलिए वो कंटिन्यूस प्रोसेस कहलाता है, ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है। या कहो एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप, ये भी इसी के ही साथ आता है। लीडरशिप जो है वो तब क्रिएट होती है, या कोई भी पर्सन लीडर तब बनता है जब लोग उसे एक्सेप्ट करते हो, एज अ लीडर एक्सेप्ट करते हो, बरोबर ना? हमारे इंडिया में भी तो होता है ना कि इंडिया में लीडर या नेता तो तब बनते हैं जब हम लोग उसे वोट देते हैं, हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, वोट देते हैं, तो वो नेता बनेंगे ना, नहीं तो कैसे बनेंगे वो नेता, सही बात है ना? कोई उसे वोट ही ना दे, कोई उसे एक्सेप्ट ही ना करे तो वो नेता बनता है नहीं ना? वैसे ही बिजनेस में भी अगर हर कोई जो है वो उसकी लीडरशिप एक्सेप्ट करे तो ही वो पर्सन लीडर बनेगा, नहीं तो वो लीडर बन सकता नहीं है। इसमें भी वही बात ना, सामने वाला लीडर बन के जो है वो ऑर्डर देता हो, बातें कहता हो, मोटिवेट भी करता हो, और सामने कोई उसकी बात ही ना मानता हो, एक्सेप्ट ही ना, भाई हम क्यों आपकी बात माने, तुम कौन होते हो हमारे सामने जो है वो ऐसा ऑर्डर चलाने वाले, ऐसा अगर वो कह देते हो तो वो लीडर किस काम का, वो लीडर थोड़ी बन पाएगा, बरोबर? लीडर वो कहलाता है ना कि जिसकी लीडरशिप हर कोई एक्सेप्ट करे। देन फॉर्मल एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप, ये भी ध्यान दो, प्रॉपर लीडर वो कहलाता है ना कि जो बिजनेस में भले उसकी पोस्ट उसे जो है वो फॉर्मली मिलती है लेकिन उसके बाद भी जो है वो इनफॉर्मली और इफेक्टिव रिलेशनशिप तैयार कर पाता हो। देखो वैसे अगर देखा जाए तो लीडर मतलब कोई पर्टिकुलर ग्रुप का हेड कहलाता है ना, मैंने बताया ना अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनका हेड वो उसका लीडर। तो फॉर्मली देखा जाए, रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो हाँ वो उसका हेड है, लेकिन रियली हमेशा उसे हेड बन के नहीं रहना चाहिए,
कि भाई वो एक बॉस बन के हमेशा वर्कर को ऑर्डर देता रहे और जो है वो सुनाता रहे कि तुम्हें तो ऐसे काम करना है, ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, और ऐसी बातें उनके साथ करता रहे, लीडर वो नहीं कहलाता। फॉर्मली भले वो लीडर है, लेकिन उसे जो है वो अपने वर्कर्स, अपने कलीग्स के साथ हमेशा एक इनफॉर्मल, एक इफेक्टिव रिलेशनशिप उसे बनाकर रखनी चाहिए। एक दोस्त बनकर, एक साथी बनकर, एक सपोर्टिव बनकर जो है वो उसके साथ रहना चाहिए, वो प्रॉपर लीडर। लीडर खाली जो है वो ये ऐसे नहीं कहता कि भाई जाकर ये काम करो, वो कहता है कि चलो भाई हम सब मिलकर जो है वो काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बैठा हूँ ना, बरबर ना, ऐसा अगर वो कहता हो तो वो प्रॉपर लीडर है, सिर्फ फॉर्मली काम ना करे वो। देन आइडियल पर्सनालिटी, ये भी एक बात आती है कि लीडर की एक तो पर्सनालिटी सही होनी चाहिए। एक आइडियल पर्सनालिटी मतलब भाई ऐसी पर्सनालिटी जिसे देखकर जो है वो हर कोई खुद ब खुद इंस्पायर होता हो। आपके आसपास भी कितने लोग ऐसे रहते होंगे जो भाई ऐसे हमेशा अप टू डेट रहते हैं, कि हमेशा जो है वो तैयार होकर रहते हैं, बरबर ना, कि भाई जिन्हें देखकर ही जो है वो एक तरह का इंस्पिरेशन मिलता है, यार ये इंसान कितने अच्छी तरह से तैयार होकर घूमता है, भाई हमें भी जो है वो ऐसा रहना चाहिए। माइंड में एक थॉट तो आ जाती है ना, हमें भी यार उसकी तरह रहना चाहिए, कि ऐसे ही जो है वो दो दो दिन हम लोग नहाए नहीं, कहते ना कितने लोग ऐसे कि दो दो दिन जो है वो नहाए नहीं, कपड़े जो है वो जैसे तैसे पहन कर चलो हम लोग जो है वो काम करने के लिए निकल पड़े। यार वो एक सही पर्सनालिटी नहीं होती ना, तो उसमें वो लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं आती। लीडरशिप की क्वालिटीज में हमेशा एक आइडियल पर्सनालिटी होनी चाहिए कि जिसकी अपीरियंस देखकर ही जो है वो पहले तो सामने वाला इंस्पायर हो जाए। देन मोटिवेशन, प्रॉपर लीडर वो कहलाता है ना जो हमेशा अपने साथियों को, अपने वर्कर्स को मोटिवेट करता रहे, उन्हें इंस्पायर करता रहे काम करने के लिए, कि जिससे जो है वो उनके वर्कर्स अच्छी तरह से काम कर सकें, उनकी एफिशिएंसी बढ़े वो। एंड हारमनी ऑफ इंटरेस्ट, हारमनी ऑफ इंटरेस्ट है ये पॉइंट आगे भी आया था अलग तरह से, कि देखो बिजनेस में जो भी वर्कर्स काम करते हैं सबका अपना अपना इंटरेस्ट, अपना अपना गोल होता है। मैंने पहले भी ये बात समझाई है कि अपने अपने जो है वो लक्ष्य होते हैं। जैसे कोई पर्सन को जो है वो घर का कर्जा उतारना है, किसी को और घर का काम करना है, किसी को और कुछ प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ जॉब करते हैं। लेकिन लीडर को, लीडर का ये काम होना चाहिए कि उसका पर्सनल इंटरेस्ट वो बिजनेस के इंटरेस्ट के साथ अटैच करे। इसलिए कहते हैं ना उनके इंटरेस्ट में हारमनी बना के रखे। लीडर खाली ये ना सोचे कि यार बिजनेस का काम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है ना, वो बस वो उनका गोल पूरा करने में भी हेल्प करे, बरबर ना, वो प्रॉपर लीडर कहलाता है। अगर भाई किसी के घर पे कर्जा है तो लीडर अगर उसे एक बार कहे ना तुम चिंता मत करो मिलकर काम करते हैं, भाई मैं जो है बताता हूँ उस रास्ते पर चलो तुम, फिर देखो भाई तुम्हारे घर का कर्जा भी जो है वो जल्दी उतर जाएगा। अगर इतना सपोर्ट उन्हें दे, इतना जो है वो कैसे, वो सामने वाला उसका फॉलोअर है और सामने वाले को ये इतनी बात समझाए और वो उसे फॉलो भी अगर करे तो वो प्रॉपर लीडर कहलाए, बरबर ना। तो प्रॉपर लीडर वो ना जो उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखता हो। एंड इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन, भाई हमेशा लीडर कैसे बनता है पता है, लीडर जो है वो पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसी प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम का कैसा सॉल्यूशन निकाल रहा है, वैसे वो लीडर बन जाता है, ठीक है ना। अक्सर लीडर एक्सीडेंटली ही तैयार होते हैं कि भाई जो है वो किसी के समझो भाई कोई प्लानिंग करके आए, वैसे लीडरशिप नहीं मिली जाती, लीडरशिप हमेशा एक्सीडेंटली मिलती है। जैसे भाई 5 लोगों का ग्रुप है, उसमें एक प्रॉब्लम आई, एक प्रॉब्लम आई तो उस प्रॉब्लम को जो है वो 5ों लोग सॉल्व करने बैठे, किसी से भी नहीं हो रही थी, बहुत दिमाग लगाया, बहुत जो है वो ट्राई किया, सॉल्व नहीं हो रहे। 5 में से फिर एक ने जो है वो थोड़ा ज़्यादा ट्राई किया, ज़्यादा दिमाग लगाया और उसने प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई, बरबर ना, उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली उसने। तो जैसे उसने सॉल्यूशन निकाला ना, अब आगे से कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी ना, हर कोई पहले उससे पूछेगा, यार बताओ ना, यार पहले भी तुमने सॉल्व की थी ना, अब बताओ ना कैसे करना है। तो देखो उनकी वजह से वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो सबका लीडर बन गया ना लीडर। आगे कभी भी कोई प्रॉब्लम, कोई भी बात होगी तो हर कोई पहले उससे ही पूछेंगे कि हाँ भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ ना, क्या करना है। तो इसलिए लीडरशिप पे है ना सॉल्यूशन का इफेक्ट बहुत होता है। भाई लीडर कैसा जो है वो सॉल्यूशन निकाल रहा है, कैसे जो है वो प्रॉब्लम को टैकल कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी लीडरशिप बढ़ती है। कि अगर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छी तरह से ला रहा है ना, तो हर कोई जो है वो उसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं भाई इससे, इसने जो है वो डिसीजन हमेशा सही लिए है, हमेशा सही तरह से सॉल्यूशन किया है, तो हर कोई उसे एक्सेप्ट करेगा ना। फिर समझ आ रही है ना बात है। तो देखो लीडरशिप के ये सब कैरेक्टरिस्टिक देखे और एक पॉइंट आता है उसमें, क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर, एक अच्छा लीडर कौन होता है और अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ध्यान देना कितनी बार आपको 2 या 3 मार्क में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ।
एक परफेक्ट जो है वो लीडर कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले उनमें फिजिकल क्वालिटीज होनी चाहिए। फिजिकल क्वालिटीज, एक सही लीडर वो होना चाहिए, सबसे पहले तो उसका फिजिक्स सही होना चाहिए। फिजिक्स मतलब कि भाई उसकी जो है वो ये बॉडी वेल मेंटेन होनी चाहिए, एक हेल्दी दिखने वाला, एक हट्टा कट्टा दिखने वाला जो है वो ये पर्सन, उसे जो है वो लोग जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं। और ना ऐसे बहुत कम होते हैं कि भाई कोई इंसान जो है वो एकदम दुबला पतला हो या कोई इंसान एकदम जो है वो मोटा हो, लोग जो है वो उसका फिजिक्स देखकर, उसका अपीरियंस देखकर ही जो है वो कितनी बार एज अ लीडर उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बरोबर ना। हाँ, रेयर कंडीशंस हैं जो ऐसे लोगों को भी जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है एज अ लीडर, क्योंकि उनमें दूसरी क्वालिटीज बहुत हाई क्लास की होती हैं, लेकिन ज्यादातर लीडर उसे पसंद किया जाता है ना, सबसे पहले तो उसकी फिजिकल क्वालिटीज अच्छी हो, ड्रेसिंग स्टाइल उसकी अच्छी हो, अच्छी तरह से हमेशा जो है वो नीट एंड क्लीन रहता हो, हमेशा जो है वो अच्छी ड्रेस पहन कर रहता हो, और क्या कह सकते हैं कि भाई एक गुड पर्सनालिटी, भाई एंटर होके ही पता चले कि यार कितनी अच्छी तरह से वो सज धज कर आ रहा है। हाँ, भले ही जो है वो बाहर का अपीरियंस, लेकिन वो लीडरशिप पे बहुत इफेक्ट करता है। भले कितनी बार हम लोग जो है वो ये कहते हैं ना कि हाँ भले ही जो है वो दिखावे से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कोई कोई जगह पर इन दिखावों से बहुत फर्क पड़ता है, बरोबर ना। इसीलिए लीडर के लिए पहले उसकी फिजिकल क्वालिटीज अच्छी होनी चाहिए, भाई वो हमेशा फिट रहता हो, बीमार ना होता हो बार बार, तो वो एक सही लीडर जो है वो बन पाता है ना, बरोबर ना। इनके बाद इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज, फिजिकल क्वालिटीज चलो कोई जगह पर डाउन हो भी जाए तो चल जाता है, लेकिन ये क्वालिटीज उसमें जरूर होनी चाहिए। एक इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज, इंटेलेक्चुअल मतलब कि भाई उसे जो है वो स्किल होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, बेसिक जो है वो नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए, भाई जो फील्ड में काम कर रहा है उसकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। कि भाई वो नॉलेज सिर्फ जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई रखे ही नहीं, लेकिन दूसरों को समझाए भी, वो नॉलेज दूसरों में बांटे भी, ये क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए, ये इंटेलेक्चुअल क्वालिटी। कि ऐसे नहीं कि भाई कोई जो है वो प्रॉब्लम हो गई और वो गूगल पे सर्च कर रहा है यार इसका मीनिंग क्या होता है ना, इतनी उसे नॉलेज ही ना हो, इतना स्किल टैलेंट ही उसे ना हो, तो वो लीडर बनने के लायक नहीं है, बरोबर ना। उसमें काउंटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, लीडर के लिए ये खास कहते हैं, काउंटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। नॉर्मल जो है वो काउंटिंग वगैरह अगर करनी है और वो बार बार कैलकुलेटर का यूज करता हो, वो प्रॉपर लीडर नहीं बन सकता। हाँ, सच में ऐसी क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए, बरोबर ना। एक अच्छी खासी उसे डिग्री या कोई क्या कह सकते हैं कि हाँ भाई उसने इस फील्ड में ये एक्सपीरियंस लिया है, तो वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। इन शॉर्ट, इंटेलेक्चुअल माइंड रिलेटेड जो है वो उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए कि जिससे वो दूसरों को इंस्पायर कर सके, बरोबर ना। उसे नॉलेज होगी तो वो दूसरों को बांटेगा ना, बरोबर ना। उसे ही नॉलेज नहीं होगी, वही अभी सीख रहा है, तो वो लीडर कैसे बनेगा, दूसरों को क्या सिखाएगा वो, ठीक है कि नहीं। इनके बाद साइकोलॉजिकल क्वालिटीज, साइकोलॉजिकल क्वालिटीज में आते हैं ये भी जो है वो उनके जो है वो माइंड रिलेटेड क्वालिटीज ही कही जाती है साइकोलॉजिकल क्वालिटीज। कि जिस क्वालिटीज के अंदर जो है उनमें आती है कि भाई जैसे उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है ना। एक जो है वो एक जील और एक कॉन्फिडेंट नेचर होना चाहिए, है ना। एक पर्सन होते हैं, दो इंसान होते हैं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं जो है वो ग्रुप में बैठे हुए हो, कोई फंक्शन में, पार्टी में, या कहीं पर भी कोई एक ग्रुप के साथ आप बैठे हुए हो, कोई एक इंसान जो है वो सामने से एंटर होता हो और उस इंसान को जो है वो देखकर सबका जो है वो एक बार मूड बिगड़ जाए, यार ये कहाँ से आ गया अब यहाँ पे, है ना यार, अब जो है वो ये सबका मूड खराब करेगा, है ना। उसके आने से पहले ही जो है वो ये मूड खराब हो गया होता है ना कोई ऐसे इंसान, ऐसा उनका नेचर होता है, ये उनकी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज में आती है, उनका नेचर ही ऐसा होता है। उनके बोलने का ढंग, उनके जो है वो काम करने का ढंग, कभी वो हंस के काम नहीं करेंगे, हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ गलतियां निकालते रहेंगे, वो इंसान लीडर कभी नहीं बन सकता। एक ये पर्सन होते हैं भाई जिसके एंटर होते ही हर कोई जो है वो उनका मूड खराब हो जाता है, ये कहाँ से आ गया, अब ये पार्टी बिगाड़ देगा। जबकि उसके ही अपोजिट ऐसे भी इंसान होते हैं कि कोई पर्सन अगर एंटर हो जाए ना, तो उसे देखकर हर कोई खुश हो जाता है, आ गया अब ये इंसान आ गया, अब देखो अब पार्टी में जो है वो कैसे मजा आएगा, अब इस ग्रुप में कैसे मजा आएगा, देखना। होते ना ऐसे इंसान भी, बरोबर ना। क्योंकि उनका नेचर होता है कि भाई उनमें जो है वो कॉन्फिडेंस होता है, वो चल कर आते हैं तो ही उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस, जहां पर भी जाओ हमेशा उनके चेहरे पर स्माइल रहती है कि हाँ भाई ये जो है वो एक परफेक्ट पर्सन है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हंस के उसका सॉल्यूशन निकाल दो, बात बात पे गुस्सा ना हो जाते हो उसमें, बरबर ना। ये सब नेचर जो है वो उनमें होना चाहिए कि भाई जो ऐसा एम्प्लॉय अगर जो है वो कुछ नुकसान कर दे, कोई गलती कर दे, तो उसके ऊपर वो लीडर उसके ऊपर भड़क जाए, गुस्सा हो जाए, वो अगर ऐसा कहता है चलो कोई बात नहीं यार गलती हो गई ना, आगे से जो है वो हम लोग सुधार देंगे, तो वो एक लायक लीडर कहलाता है, जो छोटी छोटी बातों को हंस के अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ टैकल करता हो, ये उसमें साइकोलॉजिकल क्वालिटीज होनी चाहिए। तो
तो एक प्रॉपर लीडर वही बनता है ना जिनमें जो है वो ये तीनों क्वालिटीज हो। ये अगर प्रॉपर क्वालिटीज हो तो वो लीडर बनने के लायक है, नहीं तो नहीं। हरी बात समझ में? तो देखो आज जैसे हमने लीडरशिप के बारे में भी समझा ना, अब जो डायरेक्टिंग का आखिरी फंक्शन है कम्युनिकेशन के बारे में, उसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।